चलिए बेटा वेलकम बैक। अस्य प्रदेशस्य अस्य प्रदेशस्य मूर्तिकला स्थापत्यकला आदि च विश्वविख्याता सन्ति। इस प्रदेश की मूर्तिकला और स्थापना करने वाली कला आदि बहुत ही संसार में बहुत प्रसिद्ध है। स्थापित कला में देखा है कि अत्रत्य यहाँ पर कॉन्वेंट ऑफ बॉम जीसस नामक चर्च, कैथेड्रल ऑफ गोवा चर्च, श्री गणेश, शांत दुर्ग, कामाक्षी, चंद्रनाथ, मल्लिकार्जुन, विट्ठल आदि मंदिर, साफा मस्जिद और जामा मस्जिद महत्वपूर्ण भवन हैं। ये सब हमारे दो चर्च हैं, यहाँ कॉन्वेंट ऑफ बॉम जीसस चर्च और कैथेड्रल ऑफ गोवा चर्च। उसके बाद में श्री गणेश, शांत दुर्ग, कामाक्षी, चंद्रनाथ, मल्लिकार्जुन, विट्ठल आदि ये मंदिर हैं और साफा मस्जिद और जामा मस्जिद दो मस्जिद हैं। चलिए अत्रत्य प्रदूषण मुक्त और यहाँ पर प्रदूषण से मुक्त वातावरण, संस्कृति, सभी धर्मों का समायोजन, समुद्र जल का और वनों का विस्तार, विशाल पर्वतों की चोटियाँ, प्राकृतिक मन को भरने वाले दृश्य, प्राकृतिक मन को भरने वाले दृश्य गोवा प्रदेश को संसार के देखने योग्य स्थानों दृश्यों के कारण गोवा प्रदेश संसार के देखने योग्य स्थानों में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित है। ठीक है, यानी कि गोवा का नाम दर्शनीय स्थानों में सबसे ऊपर है। खास विशेष रूप से सर्दी के मौसम में दर्शकों का सूर्य स्नान देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी स्वप्नलोक में घूम रहे हैं। इसलिए अपने जीवन के समय में एक बार तो यहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। इसलिए वर्ड मीनिंग कर लोगे, ठीक है, इसको कॉपी में कर लोगे। आगे चलिए, यहाँ पर आपको वर्ड इनमें से चुनकर लिखने हैं। गोवा प्रदेश से प्राचीन नाम किम क्या था? गोमांतक। नंबर एक में गोवा प्रदेश से नृत्योत्सव किम कथ्यते? गोवा प्रदेश के नृत्योत्सव को क्या कहते हैं? कार्निवाल तो एक नाम था, सहारदी दूध सागर। गोवा प्रदेश के नृत्योत्सव को क्या कहते हैं? गोमांतक, ये कार्निवाल। गोवा कश्य पर्वत श्रृंखला आवृत, गोवा किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलों से ढका हुआ है? किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलों से ढका हुआ है? सहारदी यानी कि बर्फ से। अस्मिन प्रदेश से क्या प्रमुख प्रपात है? इस प्रदेश में कौन सा मुख्य झरना है? दुग्ध सागर। नदी नाम जलम किम सुगमम भवती? नदियों के जल से क्या आसान है? ये है जल परिवहन। प्राचीन नाम गोमांतक, गोवा का नृत्योत्सव कार्निवाल, कश्य प्रसंकला पांच पणजी, इसमें एक एक्स्ट्रा दिया बेटा, इसको छोड़ देना, इसमें दिया नहीं है, इसका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ इसमें, तो पणजी को छोड़ देना। चलिए इसमें से उचित विकल्प चुनकर इसको फिल करना है। जना संगीत प्रिया च संति, संगीत प्रिया और नृत्य प्रिया। मारमुगा मापुसा च अशय नगर संति, मारमुगा मापुसा और कौन सा नगर इसका? कोलवा, संभाजीनगर। मांडवी और जुवारी दो प्रमुख नदियां हैं। प्रदेश से मूर्तिकला आदि, प्रदेश की मूर्तिकला आदि विश्व संसार में प्रसिद्ध है। मूर्तिकला और स्थापत्य कला, सफा मस्जिद और जामा मस्जिद उचित क्रम में लिखिए। यहाँ पर इसमें जो है इसका क्रम, मतलब इसका कर्ता कहीं है, कर्म कहीं है और इसका
क्रिया कही है, तो इसको आपको उचित क्रम में लिखना है। इसको आप स्वयं करोगे, जैसे एते नद्यो वर्ष पर्यंतम जलेन पूरिते स्तः, ठीक। इसी प्रकार अस्य दर्शनीयम नगरम मापुसा अस्ति। थर्ड में है गोवा राज्यस्य प्राकृतिक सौंदर्यम पर्यटकान आकार्यति। फोर्थ में है अत्र मुख्य रूपेण कृषि तंडुलान कृषि भावति। फिफ्थ में है अत्र आगत्य पर्यटका जल क्रीड़ा कुर्वन्ति। ठीक, अब यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। पूरा अस्य नाम गोमांतक क्षेत्र है आसीत, तो इसके स्थान पर क्या जाएगा, के आसीत। मुख्य रूपेण तंडुलान कृषि भवति, तंडुलान कान। अत्र द्वे प्रमुख नद्यो स्तः कौ के, क्योंकि नदियां स्त्रीलिंग है। गोवा प्रदेश से बहवे देवालय सन्ति, कुत्र। अत्र पर्यटक जल क्रीड़ा कुर्वन्ति का। इसमें का भी कर सकते हो, इसमें आप के भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे पुल्लिंग है तो के कर लो, ज़्यादा बेटर है। आगे चलो, शब्द अर्थों का मेल करो। जल क्रीड़ा यानी कि पानी में खेल, आकार्यति बुलाता है, आवृत्त ढका हुआ, आच्छादित आकारित आवृत्त घिरा हुआ, सॉरी आवृत्त घिरा हुआ और आच्छादित ढका हुआ, और पू सुपारी। असंगत पद चुनिए। अब जैसे यहाँ पर है गच्छति हसेत रामेण अहस्ताम धाविष्यति, तो इसमें क्या, ये सब तो क्रिया है, राम हमारा करता है, तो रामेण अलग हो गया, इसको हमने चुन लिया। ऐसे यहाँ पर दृष्ट्वा गत्वा हसित्वा पठितुम असुरुत्वा, तो इसमें इसमें तुम प्रत्यय, बाकी सब में कत्वा प्रत्यय है। चिकित्सक है, अध्यापक है, भल्लुक है, पत्रवाहक है, रक्षक है, भल्लुक है। कोलवा जुआरी डोना पावला वाकाटोर अंजुना, इसमें ये जुआरी तो एक नदियाँ हैं और बाकी ये नदी के तट हैं। मुश्क है, बिडाल है, शशक है, शेन अश्व है। अश्व जानवर हो गया, शेन ये बाकी सब हमारे मुश्क बिडाल खरगोश शेन, ये सब तो हमारे चार पैर वाले हो गए, और ये हमारा शेन पक्षी हो गया। श्री गणेश है, कामाक्षी, चंद्रनाथ, विट्ठल, दुग्ध सागर। दुग्ध सागर एक झरना है और बाकी सब हमारे मंदिर हैं, ठीक है। चलिए अभी तक रक्षा, अभी तक जिसके चारों ओर दोनों ओर बताया जाए, द्वितीय विभक्ति। स प्रतिधावती वह नगरम, भिक्षुक है, कर्ण नेत्राभ्याम नेत्रेण आँख से कर्ण, बिना न जीवनम बिना में हमारी तृतीय भी लगती है, स्नेही और द्वितीय भी लगती है, और तृतीय द्वितीय और पंचमी लगती है, स्नेह बिना। रमा प्रतिगच्छति सीताम, मोदकम रोचते बालकाय चतुर्थी भक्ति। धनिक है, अन्नम यच्छति भिक्षुकेभ्य, धनवान जिसे कुछ दिया जाए उसमें भी चतुर्थी भक्ति लगती है, ठीक है। यानी कि ये इसमें साफ नहीं आ रहा, यहाँ पर कर देती हूँ, चलिए अब दिख जाएगा आपको।
देखिए, ग्रामम नगरम नेत्रेण स्नेह सीताम बालकाय भिक्षुकेभ्य। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए, बाकी इसका हिंदी अनुवाद नहीं करती, इसके संस्कृत अनुवाद नहीं कराती, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें आपको कॉपी में क्या करना है, वर्ड मीनिंग और प्रश्न निर्माण, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बस केवल दो ही क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन आंसर भी है बेटा, ये है क्वेश्चन आंसर। प्रश्न निर्माण को काट देना, ठीक है, जैसे बस प्रश्नोत्तर कर लो और वर्ड मीनिंग कर लो। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट टीचर।